नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आप सभी का मोक्ष चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ धर्म कर्म से जुड़ी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसी अम्मा के बारे में, एक ऐसी माता के बारे में जिनके चरण छूते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जी हाँ, अमृता नंदमयी माता, जिन्हें प्यार से अम्मा भी कहा जाता है। आज मैं उनके बारे में ही बताऊंगी आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता नंदमयी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम क्यों किए, उनसे आशीर्वाद क्यों मांगा। चलिए उनके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में माता अमृता नंदमयी मठ की ओर से संचालित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद माता अमृता नंदमयी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। तब से ये चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है कि आखिरकार माता अमृता नंदमयी है कौन। दोस्तों, पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का एक वीडियो काफी वायरल भी हुआ, जिसमें दिख रहा है कि पीएम मोदी पहले जूते उतारते हैं और उसके बाद माता अमृता नंदमयी को माला पहनाते हैं और उसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इस वीडियो के साथ ही पीएम मोदी की काफी तारीफ की जा रही है और लोग माता अमृता नंदमयी के बारे में भी जानना चाहते हैं। ऐसे में आज मैं आपको इस धर्म कर्म की वीडियो में बताऊंगी कि आखिर कौन है माता अमृता नंदमयी दोस्तों, और उन्हें क्यों जाना जाता है, किन वजहों से जाना जाता है। इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे और उनके ऐतिहासिक कार्य के बारे में भी बताएंगे और पीएम मोदी का अम्मा से क्या कनेक्शन है, सारी जानकारी देंगे। बस आपको हमारे वीडियो को आखिर तक देखना होगा। दोस्तों, माता अमृता नंदमयी देवी को विश्व भर में अम्मा के नाम से जाना जाता है। उन्हें उनके अनुयायी अम्मा के साथ ही आमाची और माँ के नाम से भी जानते हैं। अम्मा के अनुयायी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में हैं। अम्मा को उनके मठ की ओर से किए गए सामाजिक कार्य जैसे स्कूल खुलवाना, अस्पताल बनवाना आदि की वजह से जाना जाता है। साथ ही उन्होंने गले लगाने वाली माँ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो अपने सभी अनुयायियों को गले लगाती हैं और अगर वो कहीं प्रोग्राम कर रही हैं तो वहां मौजूद सभी भक्तों या अनुयायियों को अम्मा गले लगाती हैं। अम्मा की पहचान विश्व में अपने निस्वार्थ प्रेम और करुणा के लिए है। उनके अनुयायियों का मानना है कि उन्होंने अपना जीवन गरीबों और पीड़ितों की सेवा व जनसाधारण के आध्यात्मिक उद्धार के लिए समर्पित कर दिया है। अम्मा का जन्म केरल के पश्चिमी समुद्र तट स्थित अलपाड़ ग्राम में एक सामान्य परिवार में हुआ था। जब अम्मा 5 साल की थी तब उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना समय देना शुरू कर दिया था। उनका नाम सुधामणि था। इसके बाद वो धीरे धीरे प्रकृति के साथ भगवान में लीन हो गईं और फिर कुछ लोगों ने उन्हें श्री माता अमृता नंदमयी देवी नाम दिया। इसके बाद धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ते गए और आज यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में उनके अनुयायी हैं, जहां अम्मा जाती हैं और अपने अनुयायियों को गले लगाती हैं। 1987 में अम्मा पहली बार विदेश गई थी। अब अम्मा भारत के अलावा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका भी जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार विश्व धर्म सांसद में 2 बार भाषण भी दे चुकी हैं। कहा जाता है कि अम्मा ने अब तक करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को गले लगाकर आशीर्वाद दिया है। अम्मा अपने हर कार्यक्रम में आए हुए हर व्यक्ति को गले लगाती है, यही उनकी स्पेशलिटी है। दोस्तों, अम्मा के आश्रम में 3,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अम्मा की संस्था ने 1998 से अब तक करीब 230 करोड़ रुपए की फ्री स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। हजारों लोगों के लिए घर की व्यवस्था की है। अम्मा और उनका मठ, आश्रम, अनाथालय, वृद्धाश्रम, स्कूल, कॉलेज, पर्यावरण संरक्षण,
रोजगार प्रशिक्षण साक्षरता अभियान पर काम उनका लगातार चलता रहता है। उनकी बैंगलोर कोयम्बटूर में अमृता कॉलेज भी है जो NIRF रैंकिंग में भी काफी ऊपर रहती है। आपको बता दें कि पहले भी पीएम मोदी अम्मा से मिल चुके हैं और उन्होंने खुद को अम्मा का सबसे बड़ा भक्त बताया था। साल 2023 में अम्मा के 60वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने अम्मा के साथ मंच भी साझा किया था। दोस्तों, ये है अमृतानंदमयी के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही छोटी सी जानकारी आपके लिए। यदि आप जाने तो अमृतानंदमयी बहुत विख्यात है। अगर उनके बारे में मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में जानकारी देना भी चाहूँ तो वो वीडियो भी कम पड़ जाए। तो आशा करती हूँ आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको अम्मा यानी कि अमृतानंदमयी जी के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको धर्म से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण बात लेकर हाजिर होंगी आपके बीच।